नमस्कार, मैं हूँ प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 7 जुलाई, दिन शुक्रवार। आगे राजनीति जुड़ी दिन भर की खबरों को विस्तार से जानने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। नीतीश कुमार के एनडीए में जाने को लेकर लालू यादव ने कही ये बात। सुशील मोदी ने तेजस्वी यादव के विदेश दौरे को लेकर कही ये बात। मुख्यमंत्री द्वारा बुलाई गई बैठक को लेकर मंत्री चंद्रशेखर ने कही ये बात। कांग्रेस ने बीजेपी को दोहरी चरित्र वाली पार्टी दिया करार। हाजीपुर सीट को लेकर चाचा भतीजे में खींचतान शुरू। अब चलिए बढ़ते हैं देश और प्रदेश के राजनीतिक खबरों की ओर विस्तार से। नीतीश कुमार के एनडीए में जाने को लेकर लालू यादव ने कही ये बात। अभी हाल में ही जदयू कोटे से सांसद और राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन हरिवंश नारायण सिंह और नीतीश कुमार की मुलाकात पटना में हुई थी। इस मुलाकात से पहले संयोगवश सुशील मोदी और नीतीश कुमार का सामना राज्यपाल के आवास पर हुआ था। इन सब के बाद अटकलें तेज हो गई कि नीतीश कुमार की एनडीए में वापसी हो सकती है। बहरहाल यही सवाल मीडिया द्वारा राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के पास पूछा, जहां इस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि नीतीश जी कहीं नहीं जा रहे हैं, बीजेपी धीरे धीरे कमजोर हो रही है और खत्म हो जाएगी। चिराग के सीएम बनने को लेकर लोजपा मुख्य प्रवक्ता ने कही ये बात। लोक जनशक्ति पार्टी के मुख्य प्रवक्ता ने महागठबंधन को लेकर बड़ा बयान दिया है। दरअसल नवादा पहुंचे धीरेन्द्र कुमार मुन्ना द्वारा महागठबंधन को लेकर कहा गया कि 5 दिन के अंदर पूरी तरह धाराशायी हो जाएगी। वहीं चिराग पासवान को लेकर उन्होंने कहा कि बिहार की जनता चाहती है कि चिराग पासवान बिहार के मुख्यमंत्री बने, बिहार का कमान संभाले। आगे उन्होंने बताया कि उनके नेता ने मंत्री बनने को लेकर कभी नहीं सोचा, बल्कि बिहार की जनता चाहती है कि चिराग पासवान मुख्यमंत्री बने। वहीं बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट वाली बात पर चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि चिराग का पहला एजेंडा है कि बिहार कैसे आगे बढ़े, बिहार कैसे नाम रोशन करे, युवाओं को रोजगार मिले। इन्हीं एजेंडे के साथ हम सब चल रहे हैं। सुशील मोदी ने तेजस्वी यादव के विदेश दौरे को लेकर कही ये बात। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर और शिक्षा विभाग के अपर सचिव के पाठक के बीच गहराते जा रहे विवाद को देखते हुए नीतीश कुमार ने दोनों को ही अपने आवास पर बुलाया था। इसे लेकर सुशील कुमार मोदी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर और विभागीय अपर सचिव एक दूसरे को औकात बताने पर तुले हैं। उन्होंने कहा कि 2 दिन की बरसात से शहरी इलाके में लोग जलजमाव झेल रहे हैं। दरभंगा मेडिकल कॉलेज बंद कर दिया गया, मरीज नाव से अस्पताल पहुंच रहे हैं। डिप्टी सीएम और कई विभागों के मंत्री पिछले कई दिनों से राहुल गांधी की तरह विदेश में छुट्टियां मना रहे हैं। गरीबों के मसीहा होने का नाटक करने वालों को बिहार की गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही, वे विदेश से ट्वीट कर रहे हैं और अब सीधे 10 जुलाई को विधानसभा सत्र के समय में प्रकट होंगे। महागठबंधन और नीतीश को जवाब देने की तैयारी में लगी एनडीए। आगामी चुनाव को ध्यान में रखते हुए जहां विपक्ष ने विपक्षी एकता की पहल शुरू की ताकि बीजेपी को मात दे सके, वहीं अब बीजेपी नीत एनडीए भी अपने कुनबे को मजबूत करने में लगा हुआ है। इसी को ध्यान में रखते हुए 18 जुलाई को एनडीए द्वारा एक बैठक बुलाई गई है। बीजेपी ने नेतृत्व वाले इस बैठक में उसके कई सहयोगी दल हिस्सा लेंगे। यह बैठक एक तरह से नीतीश कुमार के विपक्षी एकता के जवाब में भी होगा। बैठक के जरिए नीतीश कुमार और उनके महागठबंधन को यह संदेश दिया जाएगा कि उनके खिलाफ घेराबंदी की तैयारी अब एनडीए में भी हो रही है। ऐसी बैठक में वे दल भी शामिल होने वाले हैं जिन्होंने आधिकारिक रूप से अभी तक भाजपा का हाथ नहीं मिलाया है। इन पार्टियों में चिराग पासवान की लोजपा और मुकेश सहनी की वीआईपी पार्टी शामिल है। इन पार्टियों के अलावा जीतनराम मांझी की पार्टी, हिंदुस्तान आवाम मोर्चा, पशुपति पारस गुट की लोजपा पार्टी और उपेंद्र कुशवाहा की रालोजद पार्टी के शामिल होने की खबर सामने आई है। राजद एमएलसी के बयान को अशोक चौधरी ने बताया पर्सनल एजेंडा। नीतीश कुमार के मंत्री अशोक चौधरी ने कहा है कि राजद के बहुत लोग के पाठक को लेकर कुछ नहीं कह रहे हैं, बल्कि सिर्फ एक लोग कह रहे हैं उनका कुछ पर्सनल एजेंडा होगा। हम लोग उन्हें नहीं जानते, सुनील सिंह कोई बहुत बड़े नेता तो नहीं है, तो हम लोग सुनील सिंह को क्यों नोटिस ले। बता दें कि के पाठक और मंत्री चंद्रशेखर को लेकर जो विवाद हुआ था उसे लेकर नीतीश लालू के करीबी माने जाने वाले एमएलसी सुनील सिंह ने इस्तीफे की मांग की थी। इसी के जवाब में अशोक चौधरी द्वारा कहा गया था कि सुनील सिंह राजद के एकमात्र लीडर तो नहीं है, इनके अलावा भी बहुत सारे लीडर हैं, हम लोग उनके बयान पर ध्यान नहीं देते। लालू यादव के बयान पर बीजेपी नेता तारकिशोर ने किया पलटवार। लालू यादव अक्सर अपने ठेठ और चुटकुले अंदाज के लिए सुर्खियों में बने रहते हैं। अब एक बार फिर लालू यादव ने कुछ ऐसा बयान दे दिया जिसे लेकर उनकी काफी चर्चा की जा रही। दरअसल लालू यादव ने कहा था कि जो भी प्रधानमंत्री बनता है उसको पीएम हाउस में बिना पत्नी का नहीं रहना चाहिए, पत्नी के बिना पीएम हाउस में रहना गलत बात है। इसी को लेकर अब बीजेपी नेता तारकिशोर प्रसाद का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि लालू यादव किस बयान का पलटवार करते हुए बयान को गलत बताया और कहा कि इसका मतलब यह है कि राहुल गांधी पीएम नहीं बन सकते। आगे उन्होंने कहा कि भारतीय राजनीति पर यह दुर्भाग्यपूर्ण शान है कि राष्ट्रीय जनता दल जिसका एक भी लोकसभा में सांसद नहीं है वह बोले कि भारत में प्रधानमंत्री कौन हो। आगे उन्होंने सवाल खड़े करते हुए कहा कि उनके जो 2 पुत्र हैं दोनों शादीशुदा हैं, तो किसको प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं बताएं। मुख्यमंत्री द्वारा बुलाई गई बैठक को लेकर मंत्री चंद्रशेखर ने कही ये बात।
शिक्षा मंत्री और शिक्षा विभाग में चल रहे विवाद को लेकर जिस तरह से सियासी बवाल मचा हुआ है, इसे देखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्वयं इस मामले में हस्तक्षेप किया और उच्च स्तरीय बैठक कर मामले को निपटाने की कोशिश की। इस बैठक में बिहार सरकार में मंत्री विजय चौधरी, जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह, के पाठक और शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर भी मौजूद दिखे। हालांकि इस बैठक को लेकर कोई आधिकारिक बयान सामने तो नहीं आया, लेकिन इस बैठक को लेकर शिक्षा मंत्री से जब सवाल जवाब किया गया तो उन्होंने कहा कि विवाद को लेकर बातचीत नहीं हुई है। मैं विभाग की प्रगति के बारे में मुख्यमंत्री को जानकारी देने आया था। जब मीडिया ने के पाठक के मौजूदगी को लेकर सवाल किया तो उन्होंने कहा कि मैं खुद आया, मैंने के पाठक को नहीं देखा। तेजस्वी पर दायर चार्जशीट को लेकर लालू यादव ने दिया यह बयान। राजद अध्यक्ष बीते ही दिनों स्वास्थ्य जांच कारणों के लेकर दिल्ली रवाना हुए। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत की और बातें की कि कुछ दिनों में लौटेंगे और पटना से ही बैंगलोर में विपक्षी एकजुटता की बैठक में शामिल होने के लिए जाएंगे। जब उनसे उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पर CBI द्वारा दायर किए गए चार्जशीट को लेकर सवाल किया गया तो इसके जवाब में उन्होंने कहा कि इस चार्जशीट का तेजस्वी यादव पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि सब यह तेजस्वी को हतोत्साहित करने की साजिश है। पीएम मोदी की बात करते हुए उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी की विदाई करनी है, हम लोग लगातार इसमें लगे हुए हैं। पीएम मोदी ने विपक्षी एकता पर साधा निशाना। आज रायपुर में पीएम मोदी ने एक संकल्प रैली को संबोधित करते हुए विपक्षी पार्टियों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ये लोग मेरे पीछे पड़ेंगे, मेरी कब्र खोदने की धमकी देंगे, मेरे खिलाफ साजिश रचेंगे, लेकिन उन्हें पता नहीं है जो डर जाए वह मोदी नहीं हो सकता है। आगे उन्होंने कहा कि जिनके दामन दागदार हैं वे आज एक साथ आने की कोशिश कर रहे हैं। जो एक दूसरे को पानी पी पी कर कोसते थे वे आज साथ आने के बहाने खोजने लगे हैं। देश के हर भ्रष्टाचारी को एक बात कान खोल कर सुन लेनी चाहिए, वो अगर भ्रष्टाचार की गारंटी है तो मोदी भ्रष्टाचार पर कार्रवाई की गारंटी है। कांग्रेस के कोर कोर में करप्शन है। कांग्रेस ने बीजेपी को दोहरे चरित्र वाली पार्टी दिया करार। बिहार में बीजेपी चुनाव को लेकर जमकर तैयारी कर रही, इसे लेकर अब कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद ने बीजेपी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी भी सरकार में रह चुकी है, लेकिन जब ये सरकार में होते हैं तो सब अच्छा होता और जब ये सरकार में नहीं होते तो सब खराब हो जाता है। बीजेपी दोहरी चरित्र वाली पार्टी है। बीजेपी ने बिहार सरकार को परेशान करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ा है। आगे उन्होंने बताया कि बिहार की सरकार हर प्रयास कर रही कि केंद्र सरकार ने बजट के मामले में जो बेरुखी अपना रखी है, कई मंत्रालय ने उन्हें चिट्ठी भी भेजी लेकिन पैसे अब तक नहीं दिए गए हैं। हम हार नहीं मानेंगे और अपना हक लेकर ही रहेंगे। हाजीपुर सीट को लेकर चाचा भतीजे में खींचतान शुरू। अभी हाल में ही रामविलास पासवान की जयंती मनाई गई, जहां एक सभा को संबोधित करते हुए चिराग पासवान ने बताया कि वे इस बार का चुनाव हाजीपुर से लड़ेंगे। इस ऐलान के बाद चाचा भतीजे यानी चिराग पासवान और पशुपति पारस पासवान में लोकसभा सीट पर खींचतान जारी हो गई है। बता दें कि रामविलास पासवान भी इस सीट से सांसद है। हालांकि चिराग पासवान के इस ऐलान का पशुपति पारस ने विरोध किया है और बहरहाल पशुपति इस सीट से सांसद हैं। मोदी सरनेम मामले में राहुल गांधी को मिला झटका। गुजरात हाईकोर्ट द्वारा राहुल गांधी को मोदी सरनेम वाले मामले में बड़ा झटका मिला है। दरअसल कोर्ट की तरफ से मानहानि मामले में सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। साथ ही निचले अदालत के फैसले को हाईकोर्ट द्वारा सही माना गया है। मालूम हो कि मोदी सरनेम को लेकर राहुल गांधी ने साल 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान कर्नाटक में एक रैली निकालते वक्त बयान दिया था। इस बयान के बाद राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी विधायक पूर्णेश मोदी ने मानहानि के मामले को दर्ज करवाए थे, जिनकी सुनवाई पूरे 4 साल बाद सूरत के निचले अदालत में हुई। सुनवाई के दौरान राहुल को दोषी करार दिया गया, साथ ही 2 साल की सजा सुनाई गई। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर को उनकी ही पार्टी के लोगों ने नहीं दिया समर्थन। इन दिनों बिहार के शिक्षा मंत्री और शिक्षा विभाग के अपर सचिव में खींचतान देखने को मिल रही थी। अब इसी को लेकर RJD के MLC सुनील सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। दरअसल अपने बयान में उन्होंने के पाठक को सही बताते हुए कहा कि के पाठक बिहार के सबसे कर्मठ अधिकारियों में से एक है। वे एक साल में शिक्षा विभाग को सुधार देंगे। अगर मंत्री चंद्रशेखर को लग रहा है कि वे अपमानित हो रहे हैं तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। आगे उन्होंने कहा कि मंत्री चंद्रशेखर को सैतने के लिए के पाठक को शिक्षा विभाग में लाया गया है। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि मंत्री चंद्रशेखर जो कर रहे थे उसे सिर्फ मुख्यमंत्री ही नहीं बल्कि विधायक और विधान पार्षद तक नाराज थे। वहीं शिक्षा मंत्री के रामायण वाले बयान को लेकर उन्होंने कहा कि विधानमंडल के पिछले सत्र में वे शिक्षा पर बात करने के बजाय हाथ में रामायण और महाभारत लेकर घूम रहे थे। जब ये बात किसी विधायक को अच्छी नहीं लग रही थी तो मुख्यमंत्री को कैसे अच्छा लग सकता था। ओम प्रकाश राजभर पटना में दिखाएंगे अपना सियासी दमखम। बिहार में हर पार्टियां अपने सियासी दमखम को दिखाने में लगी हुई है। अब इसी कड़ी में सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष राजभर भी अपने सियासी ताकत दिखाने की तैयारी पटना में कर रहे हैं। मीडिया में चल रही खबरों के मुताबिक पार्टी के सूत्रों ने इस बात की जानकारी दी है कि आने वाले 7 अक्टूबर पटना में ओम प्रकाश राजभर बड़ी रैली का आयोजन करने की तैयारी में है। मालूम हो कि यह दिन पार्टी के स्थापना दिवस को लेकर खास दिन है। इस रैली में बीजेपी समेत कई दलों के नेताओं के शामिल होने की खबर सामने आई है। साथ ही मीडिया में इस तरह की खबर भी सामने आ रही है कि इस पार्टी का बीजेपी के साथ गठबंधन जल्द करने का ऐलान किया जा सकता है। जयंत चौधरी के ट्वीट के निकाले
जा रहे ये मायने जिस तरह से महाराष्ट्र की राजनीति में एनसीपी की टूट देखने को मिली, इसी को लेकर यह अटकलें भी सामने आ रही थी कि इस टूट के बाद रालोद यानी राष्ट्रीय लोकदल में भी टूट देखने को मिल सकती है। दरअसल सियासी गलियारों में इस बात की चर्चा थी कि राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी बीजेपी या एनडीए में शामिल हो सकते हैं, लेकिन अब इन अटकलों को लेकर जयंत चौधरी की पत्नी चारू चौधरी ने ट्वीट कर साफ कर दिया। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि चवन्नी नहीं है जो पलट जाएंगे, अफवाहों पर ध्यान न दे। हालांकि अब जयंत चौधरी ने भी जिस तरह से ट्वीट किया है उस ट्वीट को लेकर यह चर्चा देखने को मिल रही कि एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और जयंत चौधरी के बीच दूरियां बढ़ सकती हैं। बता दें कि जयंत चौधरी ने ट्वीट करते हुए लिखा खिचड़ी पुलाव बिरयानी जो पसंद है खाओ। वहीं उन्होंने दूसरे ट्वीट में लिखा कि वैसे चावल ही खाने हैं तो खीर खाओ। मालूम हो कि सपा रालोद के क्षेत्र में जिस तरह से अपने उम्मीदवारों को बीते निकाय चुनाव में उतार रही थी, उसके बाद रालोद पार्टी में नाराजगी देखने को मिली, जिसके बाद पार्टी के बीजेपी के साथ जाने की अटकलें तेज हो गई। फिलहाल आज के राजनीतिक खबरों में इतना ही। हमारा पूछेगा सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने बताओ हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारा पूछेगा सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है मोहम्मद सकीर हुसैन, उमेश ऋषिदेव, बाबूलाल मरांडी, राजकिशोर महतो, अनवर करीम खान, रविशंकर, रूबिता कुमारी। चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है आपके अनुसार बिहार में जमीनी स्तर पर कौन सी पार्टी सबसे मजबूत है? अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।